अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज आपसे एक नए शुबे बात करनी है। आज आपसे मैं फिर कुछ कहना चाहती हूँ। पहले भी मैंने 2-3 खिताब भेजे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आप तक नहीं पहुँचे होंगे, क्योंकि हम कहाँ और आप लोग कहाँ। हमारी कोई भी बात आप तक पहुँच जाए ये तो बहुत बड़े मौजज़े से कम नहीं होगा। मेरी फिर भी कोशिश है कि मैं फिर एक दफ़ा आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करूं। तो खान साहब, एक इशू बहुत चल रहा है, उस पर मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहती हूं। मेरी ख्वाहिश है कि आप इस तरफ भी तवज्जो दें, और वो इशू है ये हक खतीब का। हक खतीब जो इंसान है वो अपने आप को वलीउल्लाह कहता है और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो डॉक्टर्स भी नहीं कर सकते। कैंसर ठीक कर देता है, अंधों को नज़र अता कर देता है, और इसी तरह उसकी इतनी वीडियोस चल रही हैं ना कि जिसमें वो बिल्कुल बंदा यकीन नहीं कर सकता कि वो वाकई ऐसा कर रहा है या ऐसा बड़ा मौजज़ा हो सकता है। अच्छे अच्छे लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो वो कैसे कर रहा है कुछ समझ आने वाली बात नहीं है। वो खुद को वलीउल्लाह भी कहता है और कहता है कि मैं कर सकता हूँ। तो अगर वाकई उसमें कोई ऐसी बात है और वाकई वो ये सब काम कर सकता है, तो ये तो हमारे माशरे के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से ये एक नेमत है। अल्लाह की तरफ से भी बहुत बड़ा एक, इसको क्या कहना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा हमें एजाज़ है कि हम इसके ज़रिए, जिस तरह आप तेल पाकिस्तान से निकल आए इसकी तरफ आपकी तवज्जो है, पाकिस्तान से कोई और चीज़ निकल आए, कोई और ज़रूरत की चीज़ पैदा हो जाए, बिजली पैदा करने की कोशिश की जा रही है, पढ़ाई की तरफ, डॉक्टरों की तरफ, सेहत की तरफ, हर टेक्नोलॉजी की तरफ आप लोग तवज्जो दे रहे हो, तो आप एक बात गौर करो कि ये एक बहुत बड़ी इसमें एक मौजज़ाती जो इसमें खूबियाँ पाई जाती हैं, तो आप उसको यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, आप अपने तौर पर उसकी तहकीकात करवाएं। तो अगर बंदा वाकई इस काबिल है कि वो ये सब काम कर रहा है, तो उसको अपने तौर पे आप उसका पूरा पूरा बेनिफिट से उठाएं। स्पेशली ये ऐसे जगह पर जाए जहाँ पर ये, जैसे हमारे बच्चे हैं, 3 बेटे हैं मेरे, वो डेफ है, एक तो ज़हनी तौर पे भी नॉर्मल नहीं है पूरी तरह, तो आप उसको बुलाएँ, ऐसे स्कूलों में जाएँ जहाँ पर बच्चों पर दम दरूद करें और वो ठीक हो जाएँ। इसी तरह जो अंधे हैं वो ठीक हो जाए, तो इससे बड़े कि आप हॉस्पिटल में उसे लेके जाएँ, वो फूक मारे हॉस्पिटल के, हॉस्पिटल ठीक होकर घर चले जाएँ। तो ये तो बड़ी, बहुत बड़ी अलामत है, ये हमारे मुल्क तो फौरन तरक्की करेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है, अगर वो ठीक बंदा नहीं है, तो उसको पकड़ें। ये कब तक अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे, एक अब तक अवाम का पैसा खाएंगे, अवाम का दिमाग ख़राब करेंगे, और ये इस तरह पूरी दुनिया में हमारी रेपुटेशन ख़राब करेंगे। आप खुद बताएं कि पाकिस्तान में ये इस तरह की, ये इसका जो पोल है वो खुल जाए और ये सब झूठ हो, तो आप खुद बताएं कि ये क्या होगा, पाकिस्तान की कितनी बेइज्जती होगी। आप खुद बताएं पूरी दुनिया में क्या होगा कि पाकिस्तानी ये क्या हरकतें कर रहे हैं, पूरी की पूरी कौम को इतना बेवकूफ़, ये पाकिस्तान की कौम इतनी बेवकूफ़ है जो इस तरह की बातों में आई हुई है। आप खुद बताएं, ये छोटी सी बात तो नहीं है, इतना बड़े उस पर इसने इतना नेटवर्क चलाया और इतनी ज़बरदस्त उसमें एक्टिंग पाई जाती है, और हम जैसे जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी समझ नहीं पा रहे। और मुझे तो पक्का बिलीव था कि बंदा ठीक लग रहा है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त पावरफुल एक्टिंग है ना उसकी कि बंदा जो है बेयकीन हो ही नहीं सकता। तो आप खुद बताएं कि फिर वो बेचारे भोले, हमारे पाकिस्तान में तो वैसे भी लोग जो है कम पढ़े लिखे हैं, पढ़ाते कोई नहीं है, बस उनको शुरू से ही कामों में लगा देते हैं, तो अकलमंद आती कोई नहीं है, तो वो बस चल फिरते हैं। और मैं कहूँ कि मैं कहाँ की अकलमंद हूँ, मैं तो खुद भी इन बातों में आ गई, और मैं तो नहीं, तो जब उसकी ये वीडियोस देखी तो मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैंने कहा चलो जी घर बैठे तो मेरे बच्चों का भी काम हो गया, अब तो हॉस्पिटल को भी छोड़ दो, अब तो हर काम को छोड़ दो, चलो जी इसकी तरफ चलते हैं। लेकिन वो तो एक चाचा अब्दुल शकूर है जो इसको बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि बकायदा उसके पास प्रूफ आए। अब देखो उसके पास बकायदा प्रूफ आता है कि नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं, और मुझे नहीं पता इसका आगे क्या सिस्टम है, ये कितना पावरफुल इस
का काम है कि लोग वाकई इस पे हाथ डालने से डर रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो है ना आप ये हमारी हुकूमती तौर पे यानी कि गवर्नमेंट लेवल पे आप लोग इसको चेक करें, इसकी तहकीकात करवाएं और लोगों को ठीक मालूमात पहुंचाएं और ये टीवी पर भी न्यूज़ आए। बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर समा के और सारे पता नहीं कौन कौन से मैंने देखे, उन्होंने वीडियो में बताए हुए ये बिल्कुल ठीक है, उधर जाके उधर उन्होंने वीडियो बनाई है, कोई टीवी में मैंने नहीं देखा। बस टीवी में उसने आके एक दो प्रोग्राम्स किए और जिसमें अपनी तारीफें बयान किया कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन इसके अलावा उसका कोई वो नहीं है कि उधर भी उसने कोई साबित किया हो वो बंदे कौन है जिनको वो ठीक करता है और वो कहाँ जाते हैं, वो हैं भी कि नहीं। अगर वो इतने ही वाकई ठीक हो जाते हैं तो उनका कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना, वो टीवी में आके बताएं। मैं कहती हूँ कि अगर मेरे बच्चे ठीक होते हैं सुने बोलने लगते हैं तो मैं तो टीवी में जाके बताऊँगी, मैं तो हर जगह जाके बताऊँगी कि देखो जी ये तो बड़ा अल्लाह का बंदा है, इसने मेरे बच्चों को ठीक कर दिया, तो आप भी जाओ उधर करो। मैं तो मतलब शोर डालने वाली बात है, ये तो कोई छोटी सी बात नहीं है कि अगर आप ठीक हो जाते हो तो फिर ये जो इतने इतने ठीक होते हैं वो कहाँ गायब हो जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो आके रिपोर्ट क्यों नहीं देते, भाई देखो जी हमें तो आंखें मिल गई, देखो जी हमें ये हो गया, वो गायब हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं, उन्हें आना चाहिए, टीवी पे आना चाहिए, आके बताना चाहिए और जगह पे उनकी सारी चलनी चाहिए, वीडियोस चलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चलनी चाहिए। ये तो सिर्फ वही वीडियो हैं जो यही बना के दिखा रहा है और मेरी नॉलेज में नहीं आई ऐसी वीडियो जो उन्होंने खुद बकायदा तौर पे बनाई हो कि देखो जी हम ठीक हो गए। तो अब आप इसकी करें कार्रवाई करें इस पर और जो हकीकत है वो आम के सामने लाएँ, और प्लीज़ ये लोग हमें कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, इतने बड़े मौजूदे हो रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्यों ना उठाए, गवर्नमेंट क्यों ना फ़ायदा उठाए, सब पूरी अवाम क्यों ना फ़ायदा उठाए, सबको क्यों ना फ़ायदा हो, ठीक है ना। और अगर गलत है तो किसी को नुकसान भी क्यों हो, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। जब देखिए खान साहब हमने आपको वोट्स दिए थे तो इसी उम्मीद पे दिए थे कि अब हमसे कोई धोखा नहीं करेगा, अब हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, अब हमारे साथ कोई गलत काम नहीं होंगे, अब हमें इंसाफ मिलेगा, अब हमें गवर्नमेंट लेवल पे हमें ये सारा कुछ मुहैया होगा। क्योंकि इस तरह तो एक दूसरे को भी लोग बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, अगर ये इस पे डिस्कस किया जाए तो ये बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो प्लीज़ खान साहब आप इस तरफ सोचो दें, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरी व्यूअर्स से ये गुजारिश है कि वो मेरी बात खान साहब तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि कोई ना कोई बात हमारी उधर पहुंचा करे, क्योंकि ये मेरा मामला नहीं है, ये पूरी कौम का मामला है। तो मेहरबानी होगी सब लोगों की कि वो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचने की कोशिश करें, तो ताकि हाँ साहब तक भी कोई बात पहुंचे। चले हाँ साहब तक नहीं पहुंचती तो किसी वज़रा तक पहुंचे, कोई तो इन चीज़ों पे एक्शन ले। तो ये क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, जब एक चीज़ वीडियो चल रही है, इतनी वायरल हो रही है, इतना लोगों को पता है, हम जैसे मामूली लोगों को पता है, तो उनको क्यों नहीं पता चल रहा, वो आगे क्यों नहीं होके लोगों को कुछ बता रहे। चलें जी मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। और मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और लोगों तक ये बातें पहुँचाएँ जो मैं पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ आगे तक बातें पहुँचाने में मेरा साथ दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।